हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि हमने जो देखा था कि 19 तारीख को जुलाई में जो ये हमने देखा था फ्राइडे के सेशन में इतनी भयंकर गिरावट आई है, जो इतनी तेज़ जो गिरावट आई है उसके पीछे का रीज़न क्या था, मतलब चार्ट्स में ऐसा क्या शो कर रहा है और ऐसा कौन से सपोर्ट टूटे थे कि हमने देखा था कि वो गिरावट जो थी वो बहुत लंबी आ सकती थी। अब जहाँ पर हमने देखा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, क्या वो जो क्लोजिंग है वो महत्वपूर्ण लेवल पे है, क्या वहाँ पर कोई सपोर्ट है, और अगर वो सपोर्ट है और अगर वो ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, और अगर वो ब्रेक नहीं होता तो निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है ऊपर साइड में। सो हम उसकी पूरी बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में एनालिसिस करेंगे, चार्ट को एक बार दोबारा स्टडी करेंगे। उसके साथ ही मंडे को हमें जो 22 जुलाई को जो ट्रेड लेना है मंडे के लिए, उसमें 5 स्टॉक्स आपके लिए मैं चुन के लाया हूँ, जिसमें से जस्ट डायल, रिलायंस, इंडिको, टाइटन, अजंता फार्मा, ये 5 स्टॉक्स आपको दिख गए होंगे यहाँ पे। ये 5 स्टॉक्स हैं जो हम मंडे के टाइम पे ट्रेड करेंगे। तो 5 स्टॉक्स की तरह पहले बढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम चार्ट्स पे जाएंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी एनालिसिस करेंगे। जस्ट डायल बाय करने की सलाह दी जाएगी। 784 का करंट प्राइस जो है जो अभी जस्ट डायल पे चल रहा है, 778-780 के आसपास जैसी अगर आपको जस्ट डायल इंट्राडे पे मिलता है तो मैं आपसे बोल लूँगा कि आप इसे बाय करके चलिए। स्टॉप लॉस 769 का रखिएगा। टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं 794-802 तक के भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जस्ट डायल के अंदर। स्टॉप लॉस मैं आपको थोड़े डीप बताऊंगा गाइस, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल रह सकती है जिस तरीके से रह रही है, तो स्टॉप लॉस हमें थोड़े डीप रखने पड़ेंगे कि हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, और ये वोलेटाइल के सेशन के चलते हुए अगर हम थोड़े लोअर लेवल्स पर बाय करके चलेंगे ना तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट अचीव हो सकता है। रिलायंस शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी रिलायंस को आपको। करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रहा है गाइस 1249 चल रहा है, 1244 के नीचे, 1245 एक्चुअली 1245 एक लेवल है जिसके नीचे रिलायंस को आपको शॉर्ट करना है, उसके ऊपर आपको रिलायंस को शॉर्ट नहीं करना। जब तक 1244 के ऊपर ट्रेड कर रहा है आपको रिलायंस को शॉर्ट नहीं करना, क्योंकि गाइस एक ये क्रूशियल लेवल है जहां पर रिलायंस ने क्लोजिंग दी है। अगर ये क्रूशियल लेवल तोड़ देता है तो गाइस रिलायंस बहुत नीचे जा सकता है, पर जब तक ये क्रूशियल लेवल बना हुआ है 1245 का लेवल, मुझे लगता है कि रिलायंस हम कह सकते हैं कि अपमूव भी दे सकता है। तो कल के लिए रिलायंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन का रहेगा, मंडे की हम बात कर रहे हैं गाइज। रिलायंस का रिजल्ट भी आ चुका है, क्वार्टर रिजल्ट आ चुका है, मैंने अभी उसे स्टडी नहीं करा तो मुझे पता नहीं कि उसका रिजल्ट कैसा गया है। पर गाइज अगर टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स में यही बता रहा है कि यहाँ से शायद बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ सकती है या अच्छी खासी रिकवरी रिलायंस दिखा सकता है। गाइज अगर ये रिकवरी, अगर हम इसमें बाय की पोजीशन कब इनिशिएट करेंगे रिलायंस के अंदर, बाय की पोजीशन हमें तब इनिशिएट करनी है जब ये जो स्टॉप लॉस मैंने आपको दिया है 1261, जब ये इस लेवल पे आ जाएगा तब हमें अपनी बाय पोजीशन इनिशिएट करनी है, यानी कि जब ये इसके ऊपर चले जाएगा। अगर ये हमारे जो मैंने आपको ये प्राइस दे रखा है 1244, अगर ये इसके नीचे चले जाता है तो आपको इसमें इंट्राडे शॉर्ट पोजीशन या आप इसमें दो दिन के हिसाब से भी शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, जिसमें 1230-1223 तक के लेवल या और डाउन साइड हम देखने को रिलायंस के अंदर देखने को मिल सकती है। पर गाइस स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट 1261 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर इंट्राडे के अंदर ये इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, अगर हम देखते हैं 15 से 20 मिनट, आधा घंटा इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है 1261 के ऊपर, तो ये 1300 के लेवल तक भी आराम से जा सकता है। सो रिलायंस आपको दोनों तरीके से मैंने बता दिया है, क्योंकि ब्रेकआउट और या ब्रेकडाउन दोनों की संभावना कल हमें पता चल के चल सकती है। अजंता फार्मा शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी। 933 के हम देख रहे हैं करंट लेवल्स है, वहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है। 924-919 तक के भी हम लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या 219 की जगह आप 919 अपने नोट करके रखिएगा। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है 941 का करना है। गाइज अगर हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर इस स्टॉप लॉस के आसपास खुलता है, सो वहाँ पर आप इस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस पे ही अपनी शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट करके रख सकते हैं। इस स्टॉप लॉस के अगर ऊपर ये पर्टिकुलर ट्रेड करना शुरू कर जाता है मार्केट खुलते ही, तो आपको इस स्टॉक में ट्रेड नहीं करना होगा, हम अपने अगले स्टॉक्स पर जाएंगे। टाइटन बाय करने की सलाह दी जाएगी। आपको टाइटन बाय करना है 1102 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1011 तक के भी टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस के अंदर। स्टॉप लॉस आपको 1080 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा टाइटन के अंदर। लास्ट है इंडिको, शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी। इंडिको पे जो हम करंट लेवल्स एक्सपेक्ट है जो वो है 1463 का। स्टॉप लॉस जो आपको एक्सपेक्ट करना है वो करना है 1474। टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है 1454-1438 के। गाइस ये जो टारगेट है हमें लगता है कि अगर इंडिको
ये पर्टिकुलर 1474 या 1480 के लेवल के नीचे अगर एक दिन और सस्टेन कर जाता है, सो हमें लगता है कि एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है, तो शायद ये 1400 के लेवल तक ये भी चले जाए इंडिक को। सो इसमें क्रूशली ट्रेड करना होगा क्योंकि बहुत वॉलेटाइल काउंटर है, अभी कुछ टाइम तक हम देख रहे हैं कुछ टाइम से बहुत वॉलेटाइल काउंटर ट्रेड कर रहा है। हम देखते हैं कि लोअर लेवल्स पर जाता है वहाँ से तुरंत रिकवरी आ जाती है, या हाई लेवल्स पर जाता है तो वहाँ से हम तुरंत देखते हैं कि गिरना शुरू हो जाता है। सो हम जो टारगेट और स्टॉप लॉस आपको बताए हैं आपको स्ट्रिक्ट मेंटेन करके रखने पड़ेंगे इस पर, और वहाँ से फिर आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइए। ज़्यादा टारगेट के लिए आप इसमें अभी मत जाइएगा क्योंकि वहाँ से ये दोबारा रिकवर करने की कोशिश कर जाता है। कहीं जब हम बढ़ते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ, तो मैंने कहा इस निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा हुआ है, तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी एनालाइज करके बताया था कि किस तरीके से पर्टिकुलर निफ्टी काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मूविंग एवरेजेस की, तो उसके बाद में उसे हटा दूंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। गाइस आप एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक रेंज बनाई हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक रेंज बनाई हुई है। रेंज का जो टॉप है आप देख सकते हैं 11700 का टॉप है, वहाँ पर हमने देखा था कि 50 दिन का और 20 दिन का दोनों का मूविंग एवरेज था, और आप देख सकते हैं डेली बेसिस के अंदर 50 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ के 20 दिन का मूविंग एवरेज नीचे आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उससे पहले हमने देखा था कि एक बार भी इसने नहीं इसे तोड़ा था, जब यहाँ पर अब इसने हमने देखा था कि इसे तोड़ने की कोशिश करी थी, दोबारा एक बार रिकवरी आ गई थी। अगर एक बार हम पीछे जाते हैं तो अभी आपको पहले मैं चार्ट्स पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपको मूविंग एवरेज ज़्यादा नहीं समझने की ज़रूरत है। एक सेकेंड, आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर जो इसने टॉप बनाया वहाँ पर 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, और वहाँ से एक पर्टिकुलर स्टॉक नीचे आ गया। नीचे आने के बाद जो ब्रेक, ये जो नीचे का सपोर्ट का चैनल का लाइन था, वहाँ पर हम देख रहे थे कि 100 दिन का मूविंग एवरेज था जिसको कल इंट्राडे पे इस पर्टिकुलर निफ्टी ने तोड़ दिया था, इंडेक्स ने तोड़ दिया था। अब नेक्स्ट लेवल जो है वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो 11300 के पास है, और जो अभी पर्टिकुलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है 11400 पे। सो यानी कि ये 100 पॉइंट की गिरावट अगर दिखाता है सो ये अपने 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक चले जाएगा, और वो जो कि लेवल है 11300 का। अभी मैं मूविंग एवरेजेस हटा देता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा जो मैं आपको चार्ट में दिखाना चाहता हूँ। जी गाइस, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक पर्टिकुलर इंडेक्स ने यहाँ से अप मूव दी थी, जिस दिन हमने देखा था कि वोटिंग हुई थी, वोटिंग के रिजल्ट्स आए थे, उस दिन हमने देखा था इस पर्टिकुलर इंडेक्स में हमने एक अच्छा खासा उछाल देखा था। उछाल देखने के बाद आप देख सकते हैं ये हमने देखा था कि इस पर्टिकुलर यही ट्रेड करा, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का मकसद ये है कि हमने देखा है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, इस ट्रेंड लाइन पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को यहाँ पर इसने ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक नीचे, इंडेक्स नीचे आया। नीचे आने के बाद हमने देखा था कि इस गैप जो ये हुआ है, ये गैप कहाँ से कहाँ तक हुआ है, गैप हुआ है 11420 से लेकर 11600 तक, यानी कि कुल 200 पॉइंट का ये गैप है। सो इस गैप को इंडेक्स को फिल ज़रूर करना था, कभी ना कभी तो इस गैप को इंडेक्स फिल करता ही करता, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आप प्रीवियस इंडेक्स निफ्टी के को फॉलो करेंगे तो जहाँ पर भी आपने गैप देखा होगा उस पर्टिकुलर गैप को उसने कभी ना कभी फिल करा ही करा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट की लाइन बनाई, और सपोर्ट की लाइन को जैसे ही इसने ब्रेक करा, यानी कि 11700 के लेवल को आसपास इसने जैसे ही ब्रेक करा, हम देखा था एक तुरंत शार्प फॉल देखने को मिली। फॉल देखने के बाद ये इसने कहाँ तक की गिरावट दिखाई, 11530 की, उसके बाद ये एक चैनल पर चला गया। हम देख रहे थे इसने एक रिकवरी दिखाई, एक चैनल पर चला गया, चैनल जब मैं जाने के बाद इसने कल के ट्रेडिंग सेशन में उस चैनल को ब्रेक करा, जैसी हमने देखा एक और शार्प फॉल आई, और शार्प फॉल आने के बाद हम देखे कि ये पर्टिकुलर जो इंडेक्स है वो अपने जो गैप है गैप को फिल कर गया। गैप का जो टारगेट था मैंने आपको बताया था 11420, तो आप देख सकते हैं ये 11400 तक गया, यानी कि कुछ 20 पॉइंट का डिफरेंस है, तो वो ज़्यादातर मायने नहीं रखेगा, पर एक तरीके से इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने गैप को फिल कर दिया। अब क्या हमें तरीका लगाना है, अगर ये दोबारा 11400 के नीचे भी चले जाता है सो हमें लगता है कि ये एक बियरिश जोन में चले जाएगा, और वहाँ से इसका जो नेक्स्ट लेवल बनेगा जो मैंने आपको बताया था 11300 का लेवल बन जाएगा, जो कि 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यानी कि 11300 तक आराम से जा सकता है। 11250 इसका शायद 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज होगा,
सो अगर ये 11,400 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो वहां से हम 100 से 150 पॉइंट की गिरावट और देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। पर गाइस अगर ये यहीं से अप मूव दे देता है, अप मूव दे देगा, क्योंकि क्यों अप मूव दे देगा मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गाइस इसने कल के ट्रेडिंग सेशन में इस गैप को पूरे अच्छे तरीके से फिल कर दिया है। आप देख सकते हैं इसने जो गिरावट दिखाना शुरू करी थी, ये जो इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हमने देखा था, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही इसने तोड़ा, वो लेवल क्या था, 11,600 का लेवल। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लेवल था, 11,600 का लेवल। तो जैसे इसने गिरावट दिखाई कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो उसने पूरा का पूरा गैप एक ही दिन में फिल कर दिया। अब ये जो इसने गैप फिल करा है, तो हम कह सकते हैं कि शायद यहाँ से रिकवरी आए, कल एक माइनर पुल बैक आए, तो कल हमें माइनर पुल बैक पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना निफ्टी के अंदर। हमें अगर कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कोई पुल बैक आता है तो हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना। उसके अगले दिन हम देखेंगे कि निफ्टी के अंदर किस तरीके से वर्क हो रहा है। अगर ये कल अगले दिन दोबारा नीचे गिरना शुरू होता है तो हमारे लिए एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट हो जाएगी, और जैसे ही अपने इस लो को ब्रेक करेगा 11,400 को, तो हम अपना फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट कर देंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। क्योंकि गाइस माइनर पुलबैक आ सकता है इतनी गिरावट के बाद। अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ और दिखा देता हूँ मैं। आप देख सकते हैं यहाँ से पर्टिकुलर स्टॉक 12,000 के लेवल से आया, ये जो दो दिन की गिरावट में 12,000 से आ गया ये 11,500 तक। उसके बाद इसने एक ये चैनल पर चला गया और चैनल का ब्रेक डाउन दे दिया कल के ट्रेडिंग सेशन पे। अगर हम यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं ऊपर से नीचे, तो आप देख सकते हैं इसने बियरिश फ्लैग पैटर्न ड्रॉ करा, अब बियरिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला, ब्रेकडाउन देखने को मिला। अब हमें क्या लगता है कि इसके टारगेट्स कहाँ तक हो सकते हैं, इसका जो डिफरेंस है आप देख सकते हैं, चाहे इस पोल का जो है हम डिफरेंस देखेंगे 12,000 से 11,500 का लेवल, 550 का लेवल। सो यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 450 पॉइंट का डिफरेंस। इसने जो यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, तो अगर हम मान के चले कि यहाँ से ये 400 पॉइंट का अगर हम देखें कि एक नीचे की तरफ फॉल दिखाता है, तो ये कहाँ तक जा सकता है, 11,200 तक। अब 11,200 तक जा सकता है। अब यहाँ पर हम एक मूविंग एवरेज ड्रॉ करेंगे, मैं यहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ जी गाइस। 200 दिन का मूविंग एवरेज कहाँ दिखा रहा है, एक सिंपल मूविंग एवरेज है, जो मैंने आपको 11,300 का दिखाया था वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। सिंपल 200 दिन का मूविंग एवरेज दिखा रहा है 11,125 में। अच्छा, सो अब हम एक बार और चेक करते हैं इस दो कैंडल का हाई। इस कैंडल का हाई क्या था, 12,000 का लेवल एग्जैक्ट, और इस कैंडल का लो क्या था, 11,530 का। यानी कि हम कह सकते हैं अराउंड 500 पॉइंट का डिफरेंस, ठीक है, 500 पॉइंट का डिफरेंस है। इसने यहाँ से ब्रेक डाउन का लेवल क्या था, 11,600 का। अब 11,600 में से अगर हम 500 पॉइंट हटाते हैं, सो हमें क्या मिलता है, 11,100 का लेवल। अगर ये यहाँ से गिरता है तो ये एग्जैक्ट कहाँ तक जा सकता है, 11,100 के लेवल तक, क्योंकि 11,100 का इसका टारगेट है, अल्टीमेट टारगेट। अगर होता है कि फ्लैग एंड ये जो बियरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना है, इसका फर्स्ट टारगेट जो हम लेते हैं इस पोल के डिफरेंस, जो डिफरेंस होता है उसका 50%, यानी कि इसने कुल 500 पॉइंट की गिरावट दिखाई तो, और उसके बाद फ्लैग बनाया जो इस पोल की जो 500 पॉइंट का डिफरेंस था उसका अगर हम 50% लेते हैं यानी कि 250, तो ये 250 पॉइंट की गिरावट यहाँ तक दिखा सकता है फर्स्ट टारगेट। अगर उसके नीचे जाता है तो ये 250 पॉइंट और रिकवर करेगा। सो गाइस आप देख सकते हैं 11,000 से 600 से लेकर ये 11,400 यानी 200 पॉइंट की रिकवरी तो दिखा गया है। अभी हमें फर्स्ट टारगेट अचीव होने के लिए 11,350 तक इसका जाना ज़रूरी है, और ये 11,350 को तोड़ता है तो अल्टीमेट ये 100 पॉइंट की गिरावट, 200 पॉइंट की गिरावट, 250 पॉइंट की गिरावट और दिखाएगा, और ये 11,100 तक जाएगा अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है गाइस, सो आपको क्लियरली व्यू से मैंने सिखा दिया है कि किस तरीके से वर्क करना है। एक बार और आपको ब्रीफ बता देता हूँ मैं, ये 11,400 का लेवल है जो इसने ये गैप फिल कर दिया है। अगर 11,400 के लेवल को ये ब्रेक करता है, 2-3 घंटे वहाँ रुकता है, उसके नीचे रुकता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 11,350। 11,350 को क्लोजिंग बेसिस में तोड़ देता है, उसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 11,100 का लेवल, 11,100-11,150 का लेवल हो सकता है। और अगर ये इसके ऊपर निकलता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, पुल बैक देता है, तो हमें उस पुल बैक पे इस निफ्टी बैंक निफ्टी को बाय नहीं करना, क्योंकि इतनी गिरावट के बाद एक पुल बैक आ सकता है।
पर अगर हम देखते हैं उसके अगले दिन मंडे मंडे को हमें पुल बैक पे ट्रेड नहीं लेना, अगर ट्यूसडे को हम देखते हैं एक की और बाइंग आ रही है तो हम इस पर्टिकुलर इंडेक्स को बाय करके चल देंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 11,600 का लेवल। आप समझ गए होंगे हमारे लिए बाइंग, फ्रेश बाइंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हमें फ्रेश सेलिंग में पैसा मिलेगा निफ्टी के अंदर। अगर हम जाते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रेंज का इसने भी सिमिलर ऐसा एक पैटर्न बनाया है। यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड करा, रेंज का जो हाई था वो 20 दिन का मूविंग एवरेज था, जैसे इस पर्टिकुलर रेंज को बॉटम के साइड में इसने तोड़ा, 50 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ा, हमने देखा था कि ये काउंटर सीधा 100 दिन के मूविंग एवरेज पर चला गया और उसके नीचे जाके क्लोजिंग दिया, यानी कि 100 दिन के मूविंग एवरेज पर जाके क्लोजिंग दी है। अब इसका जो नेक्स्ट है 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि 28,800 पे है। अब मैं दोबारा इस सारे मूविंग एवरेज को इसको हटा देता हूँ। जी गाइस, अब हम इसकी दोबारा स्टडी करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इसने गैप अप दिया है, इस गैप अप से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। जी गाइस, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन, यहाँ से ऊपर गया नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया ऊपर गया नीचे आया यहाँ से पर्टिकुलर इंडेक्स, और इस ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट ले रहा है, और जो चैनल की रेंज है वो भी चैनल का सपोर्ट है, वो यही ट्रेंड लाइन पे कर रहा है। पर हमने देखा था जैसे ये दो सपोर्ट, यहाँ पर दो पैटर्न में हमने देखा कि दो सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं, उस एग्जैक्ट दो सपोर्ट को इसने तोड़ा, जैसे यानी कि 30,350 के लेवल को तोड़ा। हमने देखा कि हमारा जो नेक्स्ट अल्टीमेट टारगेट था बैंक निफ्टी के अंदर वो था इस गैप को फिल ज़रूर करेगा। गैप को फिल का टारगेट क्या है, 29,550 का लेवल। क्लोजिंग कहाँ पर दी है इसने, 29,700 के लेवल पे। सो यानी कि मतलब इसका जो लो है 29,700 का लेवल है, यानी कि हम बैंक निफ्टी में और गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कम से कम 250 पॉइंट तक की गिरावट हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं 200 से 250 पॉइंट की, जब तक ये गैप को फिल नहीं करता। सो गैप को फिल करने के लिए बैंक निफ्टी को 200 से 250 पॉइंट की गिरावट चाहिए होगी। हो सकता है गाइस कि कल निफ्टी थोड़ा बहुत माइनर पुल बैक दे, बैंक निफ्टी कॉन्स्टेंट रहे, 100 पॉइंट ऊपर नीचे ही रहे, उसके बाद अगले दिन निफ्टी में भी और तेजी से गिरावट आ जाए और बैंक निफ्टी और 200-250 पॉइंट नीचे गिर जाए और एक बियरिश जोन में वो दोबारा चले जाए। सॉरी गाइस। सो गाइस, अब आप देख सकते हैं ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली व्यू से बता दी कि निफ्टी ने तो अपना गैप फिल कर लिया है और बैंक निफ्टी ने अभी तक अपना गैप फिल नहीं करा। अब आप देख सकते हैं कि सेम सिमिलर पैटर्न, एक फ्लैग पैटर्न बना है। हम इसका हाई देखते हैं 31,700 का लेवल है, इसका जो लो है वो है 31,700 का लेवल, यानी कि कुल 1,000 पॉइंट का डिफरेंस है। अब आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक ने यहाँ से गिरावट दिखाई। सो गिरावट दिखाने के बाद मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक 30,300 से गिरावट दिखाई, तो इसका अगर हम 1,000 रुपये माइनस करते हैं तो ये दिखाते हैं 29,350 का लेवल, 29,350 का लेवल है गाइस। और 29,350 का लेवल अगर हम देखें तो ये कुल आता है यहाँ पे अराउंड 29,350 का लेवल यहाँ पर आता है। अब हम 200 दिन का एक मूविंग एवरेज लगाते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, तो हमें वो कहाँ शो करता है, वो तो हमें बहुत नीचे शो कर रहा है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ शो कर रहा था, वो कर रहा था 28,750 पे। सो हम सिमिलरली कह सकते हैं गाइस कि एक सेकेंड, सॉरी गलत ले लिया था यहाँ पे, 31,700, और इस कैंडल का जो लो है वो है 31,500, सो 1,200 पॉइंट का डिफरेंस। सो यहाँ से हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30,000-29,000 का लेवल। वो हमें लगता है कि अगर ये दोबारा अपने टारगेट को, अगर एग्जैक्ट इसे अपने पियरिश फ्लैग पैटर्न को टारगेट को मैच करना है तो ये कहाँ तक जा सकता है, 29,000 के लेवल तक। पर गाइज मैंने आपको बताया था कि वो अल्टीमेट टारगेट होता है, हमें अल्टीमेट टारगेट के लिए वेट नहीं करना, और हमें अल्टीमेट टारगेट तभी अचीव हो सकता है जब अपना वो 50% टारगेट जब तक वो ब्रेक नहीं करता। तो 1,200 पॉइंट का अगर हम 50% निकालते हैं तो 600 पॉइंट है। सो अगर हम देख सकते हैं कि 30,300 का 600 पॉइंट देखे तो इसने कल के ट्रेडिंग सेशन पे उस पर्टिकुलर 600 पॉइंट की रिकवरी कर ली है, यानी कि 650% का टारगेट अचीव कर लिया है। अब 50 हम बैंक निफ्टी में अब शॉर्ट फ्रेश कब जाएंगे, जब वो 50% के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, यानी कि जब ये अपने प्रीवियस, जब तक ये अपने
डे लो को, जो इसका प्रीवियस डे लो था 29,700 के लेवल को, जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक हम फ्रेश शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट नहीं करेंगे इस काउंटर के अंदर। सो बैंक निफ्टी निफ्टी आपको दोनों अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया गाइस। तो अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी, ये जो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया, अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा गाइज। रिलायंस के अंदर जो ब्रेक इवन पॉइंट है, जो आज जिस पर्टिकुलर ब्रेक इवन पॉइंट में वो ट्रेड कर रहा है, अगर आपको जानना है कि उसके बाद बैंक निफ्टी रिलायंस सॉरी कितना नीचे गिर सकता है या ऊपर अपमूव कितनी है, सो मैंने एक ट्रेड टॉक की सीरीज़ पे रिलायंस के बारे में एक बहुत क्लियरली व्यू से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, डिटेल्ड एनालिसिस बनाई हुई है। और जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि एक सपोर्ट पे, लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है गाइस अभी आपको वो वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो आप उसे परफेक्ट टारगेट और स्टॉप लॉस निकाल लेंगे। साइड बाय साइड मैंने टाइटन की भी एक एग्जैक्ट वीडियो बनाई हुई है, डिटेल्ड चार्ट्स के अंदर वीडियो बनाई हुई है। सो आप दोनों वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आप दोनों उस दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा और आपको यहाँ पर आई सेक्शन पे भी लिंक मिल जाएगा गाइस। सो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे साथ जुड़ने के लिए गाइस।